अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टाइलिंग आइडियाज़ बाय मी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो से आपको आइडिया तो हो गया होगा कि ये वीडियो ब्राइडल वेलवेट शॉल से रिलेटेड है। जैसा कि वेडिंग सीज़न है और सर्दी भी आ गई है, तो वेलवेट शॉल का ट्रेंड पिछले कुछ सालों से बहुत ही ज़्यादा होता जा रहा है और ये बहुत ही अच्छी लगती है ब्राइडल पे। और ये किस तरह की होनी चाहिए, मोस्टली तो फर्स्ट डे के जो ब्राइड है उसका रेड और मैरून ही ये शेड चलता है। उनकी डार्क है, लाइट है, लेकिन रेड और मैरून दोनों कलर्स में ही ये ज़्यादा इन होती है, क्योंकि ब्राइड का ड्रेस भी रेड होता है। लेकिन ये है कि अगर आप स्किन के ऊपर रेड होगा तो ये ज़्यादा अमेजिंग लगेगा। अगर आपकी स्किन शर्ट है या किसी और शेड में शर्ट है तो उसके ऊपर डार्क चादर होगी ये शॉल, तो ये बहुत ही अच्छी ज़्यादा प्रोमिनेंट होकर नज़र आएगी और काम भी इसका ज़्यादा अच्छा लगेगा। मोस्टली तो यही है कि जिस तरह आप लहंगा ऑर्डर करते हैं उसी तरह की शॉल होती है, उसके ऊपर भी आपके लहंगे जैसा ही काम किया होता है, उसी की तरह का डिज़ाइन होता है। और वैसे अगर नहीं आप ऑर्डर पे बनवाना चाहते हैं तो मार्केट में भी बहुत ज़्यादा बहुत खूबसूरत अवेलेबल है। जिस तरह की बाय करना चाहें अच्छे ब्रांड्स पे लोकल मार्केट में हर तरह की मिल जाती है। सेकंड डे की ब्राइड के लिए कंट्रास्ट कलर में शॉल बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि सेकंड डे का ड्रेस मोस्टली लाइट और ब्राइट कलर में होता है, तो उसके साथ कंट्रास्ट शॉल अच्छी लगती है। और ये मोस्टली होती डार्क कलर में ही है, जैसे रेड, मैरून, ब्लू, ग्रीन, इसी तरह के शेड में ही ये अवेलेबल होती हैं और अच्छी भी डार्क शेड में लगती है, क्योंकि सर्दी है, सर्दी के लिए ही ये शॉल वेयर की जाती है, तो डार्क शेड ही इसकी अच्छी लगती है। नो फ्रेंड्स, अगर आप कम बजट में रहते हुए शॉल बनवाना चाहते हैं कि ये इतना हैवी दबके का काम नहीं अफोर्डेबल, तो फिर गोटे का काम करवाया जा सकता है इस पर, जो कि बहुत ही डिफरेंट होगा और अच्छा लगेगा। और आप अपनी मर्ज़ी से भी तैयार करवा सकते हैं, उसमें मोती और सीक्वेंस स्टोन्स और गोटे की पत्तियां, फ्लावर लगेंगे, तिले का काम आउटलाइन होगी और साइडों पे इसके जरी या किरण की जो लेस वगैरह होती है उस तरह के पैच अटैच करके बहुत ही